नेक्स्ट टू इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करने वाले, कौन सा दो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है? इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। जो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड, ये दोनों भी कार्बन कंपाउंड जो है कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है। कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड का मतलब क्या है? ये दोनों भी कार्बन कंपाउंड पैसे के लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। और इथेनॉइक का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। एट रूम टेम्परेचर इथेनॉल इज कलरलेस एंड एट रूम टेम्परेचर इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो कलरलेस। तो ये दोनों भी, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड जो है, रूम टेम्परेचर में कलरलेस रहता है। जैसे कि पानी का कलर कैसा है? कलरलेस रहता है। उसी तरह पानी के जैसे ही इथेनॉल भी, इथेनॉइक एसिड दोनों भी कलरलेस है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना है? 78 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड इज हाउ मच? 118 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? ये टेम्परेचर में जो इथेनॉइक एसिड है, 118 डिग्री सेल्सियस में इथेनॉइक एसिड बॉयल होने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हाउ मच? -114 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉइक एसिड इज हाउ मच? 17 डिग्री सेल्सियस। यानी मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये 17, जैसे इथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस है, तो 17 डिग्री सेल्सियस में ये मेल्ट होने लगता है, नहीं तो ये फ्रीज भी होने लगता है। जनरली इथेनॉल इज कॉल्ड एल्कोहल और स्पिरिट। तो इथेनॉल को जनरली क्या बोलते हैं? एल्कोहल बोलते हैं, नहीं तो स्पिरिट। उसी तरह इथेनॉइक एसिड को क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज टेस्टेड विद लिटमस पेपर, इट इज़ फाउंड टू बी न्यूट्रल। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या है? इथेनॉल को जब पानी में मिक्स किया जाता है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलता है। तो एक्वस सॉल्यूशन को अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया, इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल का ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया, तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। उसी तरह जब रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप किया जाता है तो भी इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो इथेनॉल जो है वो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है। तो देन इट इज़ व्हाट? इट इज़ न्यूट्रल। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड इज टेस्टेड विद लिटमस पेपर, इट इज़ फाउंड टू बी एसिडिक, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो जब भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड को ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है तो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स इथेनॉइक एसिड जो है वो एसिडिक है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन। अभी वॉट इज़ द यूजेज ऑफ बोथ ऑफ देम? तो इथेनॉल जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मेडिसिन सच एज टिंक्चर आयोडीन, कॉफ मिक्सचर एंड ऑल्सो मैनी टॉनिक्स। तो इथेनॉल जो है वो टिंक्चर आयोडीन में यूज़ किया जाता है, कॉफ मिक्सचर में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे टॉनिक में भी यूज़ किया जाता है। अभी टिंक्चर आयोडीन क्या है? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड इथेनॉल। तो जब आयोडीन और इथेनॉल को मिक्स किया जाता है तो इट इज़ नोन एज टिंक्चर आयोडीन। अभी इथेनॉइक एसिड का यूज़ क्या है? विनीगर विच इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स इज़ अ 5-8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो विनीगर कहाँ पर यूज़ किया जाता है? अचार को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये विनीगर में 5-8% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड रहता है। नाउ इथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। इथेनॉल जो है वो पानी में ईजिली मिक्स हो जाता है। अगर मैंने थोड़ा सा अगर पानी लिया और उसमें इथेनॉल डाला तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाता है। उसी तरह अगर मैंने इथेनॉल लिया और उसमें पानी ही डाला तो दोनों भी मिक्स हो जाते हैं। ज़रूर इसका प्रपोर्शन कुछ फिक्स नहीं रहता है, कितना भी पानी डालो तो ये मिक्स हो जाता है। उसी तरह कितना भी इथेनॉल डालो पानी में वो भी मिक्स हो जाता है। सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। अभी इथेनॉइक एसिड जो है, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज इथेनॉइक एसिड फ्रीजेस एट रूम टेम्परेचर एंड लुक्स लाइक आइस, देयरफॉर इट इज़ नेम्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो विंटर में कोल्ड कंट्रीज़ का टेम्परेचर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री बहुत कम रहता है। इन कंट्रीज़ में जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहता है वो कंट्रीज़ में टेम्परेचर बहुत कम रहता है। और इथेनॉइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 17 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 1 डिग्री सेल्सियस में वो फ्रीज हो जाता है और जब ये फ्रीज हो जाता है तो आइस के जैसे दिखता है। तो इट इज़ नोन एज व्हाट? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। नाउ कंजम्पशन
Consumption of small quantities of dilute ethanol shows its effect even though it is condemned, still it has remained socially widespread practice. तो अगर इथेनॉल डाइल्यूट इथेनॉल का मतलब क्या है, जब भी पानी में बहुत सारा पानी में थोड़ा सा इथेनॉल मिक्स किया तो उसे डाइल्यूट इथेनॉल कहते हैं, यानी पानी ज़्यादा और इथेनॉल कम है. और ये जो इथेनॉल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल को अगर कंज्यूम किया जाए, यूज़ किया जाए, तो वो अपना इफ़ेक्ट दिखाता है. इवन दो इट इज़ कंडेम्ड का मतलब क्या है, ये कंडेम का मतलब है इट इज़ अनफिट, ये कंजम्पशन के लिए अनफिट है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, स्टिल इट हैज़ रिमेन सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस. इट मीन्स वॉट कि फिर भी ये जब भी कंडेम किया जाता है, मतलब इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, देन ऑल्सो इट इज़ फिर भी इसे यूज़ किया जाता है इन ग्रेट एक्सटेंट. तो इवन दो इट इज़ कंडेम, इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इट रिमेन सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, दैट इज़ इट इज़ स्टिल यूज इन ग्रेट एक्सटेंट. कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल हार्म्स हेल्थ इन नंबर ऑफ वे. तो अगर एल्कोहल थोड़ा सा भी, अगर एल्कोहल को यूज़ किया जाए, कंज्यूम किया जाए, तो इट हेल्थ के लिए वो हार्मफुल रहता है. इट एडवर्सली अफेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो इसे कंज्यूम करने पर वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो सब अफेक्ट हो जाता है बाई टेकिंग बाई कंज्यूमिंग इथेनॉल, एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी वो अफेक्ट करता है. कंजम्पशन of even small quantity of pure ethanol can be lethal. तो प्योर इथेनॉल का मतलब क्या है, इसमें ज़रा सा भी पानी मिक्स नहीं किया है, तो ये प्योर इथेनॉल है, देर इज़ नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट, एंड दिस प्योर इथेनॉल को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एल्कोहल. और अगर ये प्योर इथेनॉल को ज़रा सा भी यूज़ किया जाए, कंज्यूम किया जाए ज़रा सा भी मात्रा में, इट कैन बी लीथल. लीथल का मतलब क्या है, वो जान भी ले सकता है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल. तो नेक्स्ट वील बी डिस्कसिंग अबाउट वॉट, जो केमिकल रिएक्शन जो है इथेनॉल का, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वील बी स्टार्टिंग अबाउट रिएक्शन विद सोडियम एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन. अब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पेज नंबर 127 ट्राई दिस में दिया है. इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड है, टेस्ट ट्यूब, डेलवरी ट्यूब, फिटेड इन अ रबर कॉक, नाइफ, कैंडल, सोडियम मेटल, मैग्नीशियम रिबन एंड इथेनॉल. नाउ रिएक्शन विद सोडियम, अभी एक टेस्ट ट्यूब लेना है और टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml ऑफ इथेनॉल लेना है, और सोडियम मेटल जो एकदम सॉफ्ट रहता है उसको नाइफ से कट किया जा सकता है. तो सोडियम मेटल को नाइफ से कट करके 2-3 पीस जो ग्रेन के जितने छोटे हैं, जैसे चावल गेहूँ रहता है उतना ही छोटा जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स में कट करना है सोडियम को नाइफ से, और वो पीसेस को 3-4 पीसेस को इथेनॉल के अंदर डालना है. जैसे ही सोडियम मेटल को इथेनॉल के अंदर डालेंगे तो इसका जो ओपनिंग है उसको एक रबर कॉक जिसमें डेलवरी ट्यूब फिटेड है उसके साथ बंद करना है. अभी इथेनॉल और सोडियम जैसे ही डालते हैं तो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है और सरफेस में बबल्स फॉर्म होता है और एक गैस रिलीज होता है. ये गैस जो है वो डेलवरी ट्यूब से निकल के आउटलेट से बाहर आता है. नाउ यू टेक अ लाइटेड कैंडल, एक कैंडल को जलाओ और इस गैस के पास लेके आओ, तो यू विल हियर अ पॉप साउंड. तो ये पॉप साउंड ये इंडिकेट करता है कि जो गैस जो इसमें से रिलीज हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है. तो हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हमेशा लाइटेड कैंडल को गैस के तरफ लेके जाओ, और अगर पॉप साउंड सुनाई दे तो द गैस जो रिलीज है वो हाइड्रोजन गैस है. नाउ इफ़ यू टेक इन अ टेस्ट ट्यूब 10 ml ऑफ इथेनॉल और इसमें मैग्नीशियम मेटल डालना है, तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जब भी मैग्नीशियम रिबन इसमें डालते हैं तो यू विल नॉट सी कोई भी बबल्स फॉर्म नहीं होता, कोई गैस भी रिलीज नहीं होता है. लेकिन जब सोडियम मेटल इथेनॉल में डालते हैं तो रिएक्शन होता है, बबल्स फॉर्म होता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. सो वाई डज इट डजंट रिएक्ट विद मैग्नीशियम बट इट रिएक्ट्स विद सोडियम, तो इसका रीज़न क्या है, मैग्नीशियम जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है. मैग्नीशियम जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव, मतलब वो इतना रिएक्टिव मेटल नहीं है. इट डज नॉट रिएक्ट विथ इथेनॉल. मैग्नीशियम जो है इट रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ही मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है. इथेनॉल जो है वो एसिड नहीं है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसलिए मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट नहीं करता है और बबल्स और हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं
नहीं होता है। तो मैग्नीशियम एक तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, दूसरा इथेनॉल न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसके लिए मैग्नीशियम और इथेनॉल के बीच में रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन सोडियम ऐसा नहीं है, सोडियम इज़ वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, मेटल में सबसे हाईली रिएक्टिव रहता है सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम एकदम हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए वो न्यूट्रल इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड। नाउ रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, सो 2Na प्लस 2CH3CH2OH गिव्स वॉट 2CH3CH2ONa प्लस H2। तो सोडियम जो है वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। सिंस इट इज़ रिलीज, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, इट इज़ शोन बाय एन एरो और एरो ऊपर के तरफ पॉइंट करता है। इथेनॉल में जो है वो H को रिप्लेस करता है। व्हाट इज़ रिप्लेस्ड, एच जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है और उसके जगह में क्या आता है, एन ए। सो 2CH3CH2ONa इज फॉर्म्ड। तो H निकल जाता है और H के जगह में क्या आता है, सोडियम आता है और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। नाउ दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, इधर बैलेंस करके बताया, नाउ इफ आई बैलेंस इट एंड शो यू, यहाँ पे कितना सोडियम है, सिर्फ एक ही एटम ऑफ सोडियम इज देयर इन रिएक्टेंट। यहाँ पे प्रोडक्ट में भी सिर्फ एक ही एटम है सोडियम का। नेक्स्ट कार्बन, दो कार्बन एटम्स है रिएक्टेंट में, यहाँ पे भी दो कार्बन एटम्स है रिएक्टेंट में। ऑक्सीजन कितना है, एक ही एटम ऑफ ऑक्सीजन है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी एक ही ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में। नाउ सोडियम, सोडियम इज़ ऑलरेडी डिस्कस। नाउ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3+2+5+1+6 हाइड्रोजन एटम्स आ है। यहाँ पे कितना है, 3+2+5+6+7 हाइड्रोजन एटम्स है। सो लेट अस फर्स्ट वी विल बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो कितना हाइड्रोजन हो गया, 3+2+5, 5+2=10 +2=12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज फॉर्म। अभी यहाँ पे तो सिर्फ 6 है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 डाला तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, 3+2=5, 5+1=6, 6×2=12। तो इन दोनों तीनों को ऐड करो, 3+2=5+1=6, और ये सब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 12। सो यू हैव 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट एंड 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट। नाउ सिंस यू हैव एडेड 2 ओवर हियर, तो Na का एटम्स कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट ऑफ Na इज हाउ मच, 2, मगर यहाँ पे एक ही है, सो यू विल पुट 2 ओवर हियर। सो 2Na प्लस 2CH3CH2OH विल गिव 2CH3CH2ONa प्लस H2। सेकेंड केमिकल रिएक्शन इज़ वॉट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो सेकेंड केमिकल रिएक्शन इथेनॉल का कौन सा है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट अ टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस विद एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथीन एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल, अगर इथेनॉल लिया और उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड लिया और ये मिक्सचर को 170 डिग्री सेल्सियस में हीट किया, तो व्हाट हैपेंस, एक मॉलिक्यूल इथेनॉल में से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, विच इज़ दैट कंपाउंड इथीन। जो इथेनॉल है वो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है और इथीन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। यह कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिंस जब इथेनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एक्सेस अमाउंट ऑफ डाला जाता है सल्फ्रिक एसिड, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है, इसीलिए सल्फ्रिक एसिड यहाँ पे एक्ट एज वॉट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, वो इथेनॉल में से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है, इसीलिए उसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। अभी इसका फॉर्मूला रिएक्शन कैसा है, CH3CH2OH दैट इज़ इथेनॉल, जब इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड डाला जाता है, मिक्स किया जाता है और उसको हीट किया जाता है 170 डिग्री सेल्सियस में, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू इथीन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ऑल्सो फॉर्म। अभी ये तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला था, अभी स्ट्रक्चरल फार्मूला यूज़ करके, अभी ये इथेनॉल है, इथेनॉल में जब एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्रिक एसिड डाला जाता है और ये मिक्सचर को जब 170 डिग्री सेल्सियस में हीट किया जाता है,
तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये OH और ये H निकल जाता है, तो दिस गेट्स रिमूव्ड ओवर हियर। अभी जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर बचा हुआ है H और OH निकलने के बाद, अभी ये कार्बन एटम के पास, नाउ व्हेन दिस H इज रिमूव्ड, ये कार्बन एटम के पास सिर्फ 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। उसी तरह जब भी OH निकल जाता है तो ये कार्बन एटम के पास भी सिर्फ 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन कार्बन एटम टेट्रावैलेंट होता है और इसके कार्बन एटम के आजू बाजू में 4 कोवैलेंट बॉन्ड रहना चाहिए, तो इसके लिए 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड आता है तभी ये कार्बन एटम के पास 1, 2, 3, 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, उसी तरह ये कार्बन एटम के पास 1, 2, 3, 4 कोवैलेंट बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन एटम हैज़ कंप्लीटेड इट्स टेट्रावैलेंसी। इसीलिए इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड कंपाउंड इथीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, इसके लिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म्ड। नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 128। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सप्लेन बाय राइटिंग अ रिएक्शन व्हाट विल हैपन इफ पीसेस ऑफ सोडियम मेटल आर पुट इन एन प्रोपाइल एल्कोहल। तो जब भी सोडियम मेटल, जब भी एन प्रोपाइल एल्कोहल, दिस इज ऑल्सो एल्कोहल ओनली, इथेनॉल के जैसे ही है, मगर प्रोपाइल का मतलब क्या है, 3 कार्बन एटम है इसमें, 1, 2, 3 कार्बन एटम। रिएक्शन सेम है इथेनॉल के जैसा, जब भी इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सेम रिएक्शन, एवरीथिंग इज सेम, खाली इथेनॉल के जगह में प्रोपाइल अल्कोहल डालना है। एन का मतलब क्या है, वी हैड स्टडीड के आइसोमर्स, स्ट्रेट आइसोमर्स के बारे में पढ़ा था, या तो कार्बन कंपाउंड स्ट्रेट चेन रहता है नहीं तो ब्रांच रहता है। सिंस दिस इज स्ट्रेट चेन इट इज़ नोन एज एन प्रोपाइल अल्कोहल। इसमें जब भी सोडियम मेटल मिक्स किया जाता है तो सोडियम एन प्रोपोक्साइड फॉर्म होता है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है एन प्रोपाइल अल्कोहल से, और एच के जगह में क्या आता है, एन ए, सोडियम एन प्रोपोक्साइड इज फॉर्म और हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। नाउ एक्सप्लेन बाय राइटिंग अ रिएक्शन विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन हीटिंग एन ब्यूटाइल अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड। अब ये सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है, जो पहला रिएक्शन जो था, जो इथेनॉल का फर्स्ट रिएक्शन पड़ा था, सोडियम व्हेन इट रिएक्ट्स विद इथेनॉल, तो यहाँ पे एन प्रोपाइल रिएक्ट्स विद सोडियम, ये सेकेंड टाइप है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। इसमें जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्रिक एसिड डाला जाता है और उसको हीट किया जाता है, तो वॉट विल हैपन, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, सो और अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्यूटीन इज फॉर्म्ड। अभी ब्यूटाइल का मतलब क्या है, 4 कार्बन एटम, 1, 2, 3, 4, तो इथेनॉल के जगह में सिर्फ ब्यूटाइल अल्कोहल लिखना है, बाकी सब रिएक्शन सेम है। इसमें से OH और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्यूटीन इज फॉर्म, यू कैन सी ओवर हियर डबल बॉन्ड, तो ब्यूटीन इज फॉर्म प्लस वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म। अभी इसको मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यूज़ करके आई विल एक्सप्लेन दैट। नाउ दिस इज प्रोपेन, प्रोपेन है, प्रोपेन इज CH3, CH2, CH3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो CH3, CH2, CH3। इसमें से जब भी एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है तो इट बिकम्स वॉट, प्रोपाइल। जब भी प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो प्रोपेन बिकम्स प्रोपाइल, इथेन रहेगा तो इथाइल हो जाएगा, ब्यूटेन रहेगा तो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकल गया तो इट बिकेम प्रोपाइल, और वो हाइड्रोजन के जगह में फंक्शनल ग्रुप OH आया है, दैट इज़ अल्कोहल, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रोपाइल अल्कोहल। नाउ व्हेन दिस एन प्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम तो H निकल जाता है, और H के जगह में क्या आएगा, Na आता है, तो सोडियम एन प्रोपोक्साइड इज फॉर्म प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो रिएक्शन इज सेम लाइक इथेनॉल व्हेन इट रिएक्ट्स विद सोडियम, यहाँ पे एन प्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम टू फॉर्म व्हाट, सोडियम एन प्रोपोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। नेक्स्ट ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितना कार्बन एटम है, 4, 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम है, दैट इज CH3, CH2, CH2, CH3।
अभी इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकल जाएगा तो इट बिकेम ब्यूटाइल, और ये हाइड्रोजन एटम के जगह में OH आया तो इट बिकेम ब्यूटाइल अल्कोहल। अभी ये ब्यूटाइल अल्कोहल दैट इज़ एन ब्यूटाइल अल्कोहल, व्हेन इट व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फ्रिक एसिड इज़ एडेड इन दिस एंड हीटेड टू 170 डिग्री सेल्सियस, जब इसको हीट किया जाता है मिक्सचर को 170 डिग्री सेल्सियस तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो यहाँ से OH निकल जाता है और नेक्स्ट वाला कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकल जाता है, ये कार्बन एटम से OH और ये वाला कार्बन एटम से हाइड्रोजन दैट इज़ H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और ये दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आता है। देयरफॉर ब्यूटाइल अल्कोहल बिकम्स व्हाट अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्यूटीन एंड अ वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म्ड। नाउ ट्राई दिस, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 128। तो पेज नंबर 128 में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, ग्लेज्ड टाइल, ग्लास रॉड्स, pH पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, डाइल्यूट इथेनॉइक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्लेज टाइल लेना है, उसमें दो स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर प्लेस करो। सो प्लेस ऑन दिस ग्लेज टाइल टू ब्लू कलर लिटमस पेपर। अभी एक लिटमस पेपर में ग्लास रॉड की मदद से एक ड्रॉप ऑफ इथेनॉइक एसिड डालो, दैट इज CH3COOH। तो ये ब्लू लिटमस पेपर में एक ड्रॉप ऑफ इथेनॉइक एसिड डालो और दूसरा ब्लू स्ट्रिप में दूसरा ग्लास रॉड की मदद से एक ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, द ब्लू कलर लिटमस पेपर टर्न्स इंटू रेड कलर, तो चेंजेस इंटू रेड कलर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इथेनॉइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों भी एसिडिक है, तो एसिडिक रहेगा तो ही ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इंटू रेड कलर। नाउ टेक अनदर ग्लास ग्लेज्ड टाइल और उसमें pH पेपर रखो, दो स्ट्रिप्स ऑफ pH पेपर रखो, एक pH पेपर में एक ड्रॉप ऑफ इथेनॉइक एसिड डालो विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड और दूसरा pH पेपर में अनदर ग्लास रॉड के मदद से एक ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, जिसमें इथेनॉइक एसिड डाला था pH पेपर में वो टर्न्स इनटू येलो कलर, येलोइश ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, और जिस pH पेपर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था दैट चेंजेस इनटू रेड कलर। अभी ये स्ट्रिप से हमें pH का पता चलता है, तो येलो कलर होगा तो उसका pH कितना है 3, तो यानी इथेनॉइक एसिड का pH कितना है 3, और रेड कलर का pH कितना है 1, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना है 1। नाउ ऑब्जर्विंग दिस एक्सपेरिमेंट, फिल अप दिस बॉक्सेस। तो व्हाट ऑल सब्सटेंस वी हैड यूज, कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया था, इथेनॉइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, तो कलर चेंज क्या ऑब्जर्व किया था कि दोनों केस में इथेनॉइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में ब्लू लिटमस पेपर चेंज्ड इनटू रेड। सो इथेनॉइक एसिड में भी ब्लू लिटमस पेपर चेंज्ड इनटू रेड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें डाला था उसमें भी ब्लू लिटमस पेपर चेंज्ड इनटू रेड। नाउ करस्पॉन्डिंग pH स्क्रैच द अनवांटेड, तो यहाँ से स्ट्रिप से हमें क्या पता चलता है कि इथेनॉइक एसिड का pH कितना है 3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना है 1, तो दोनों भी 7 से कम है, इट इज़ लेस देन 7। तो करेक्ट आंसर इज़ व्हाट, लेस देन 7, स्क्रैच द अनवांटेड, सो स्क्रैच आउट द अनवांटेड, सो दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दिस बोथ आर रॉन्ग। तो ये दोनों रिक्वायर्ड नहीं है, दोनों का pH लेस देन 7 है, तो इथेनॉइक एसिड इज़ ऑल्सो लेस देन 7 बिकॉज इथेनॉइक एसिड का pH कितना है 3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी pH इज़ लेस देन 7 क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना है 1। नाउ कलर चेंज सीन ऑन द pH पेपर, कौन सा व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इथेनॉइक एसिड तो कौन सा कलर में चेंज हो गया था, इट हैड चेंज्ड इनटू येलोइश ऑरेंज, तो इट चेंज इनटू व्हाट, येलोइश ऑरेंज। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो pH पेपर में डाला था उसका कलर कौन से कलर में चेंज हो गया था, रेड कलर, इट चेंज्ड इनटू रेड कलर। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में pH पेपर का कलर कौन सा कलर में चेंज हो गया था, रेड कलर, तो करस्पॉन्डिंग pH कितना है, येलोइश ऑरेंज रहेगा तो उसका pH कितना है 3, सो हियर इट इज 3, और रेड कलर रहेगा तो pH कितना है 1, सो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में 1 लिखना है। तो कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर दोनों केस में रेड है, और करस्पॉन्डिंग pH कौन सा है, दोनों केस में इट इज़ लेस देन 7। कलर चेंज सीन ऑन द pH पेपर, इथेनॉइक एसिड येलोइश ऑरेंज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड कलर,
करस्पॉन्डिंग पीएच कितना है, इथेनॉइक एसिड का 3 है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 है. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 129. विच वन ऑन द टॉप इट इज़ गिवन, विच वन ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर. तो यहाँ से कौन क्या पता चलता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि इथेनॉइक एसिड स्ट्रॉन्ग है. अगर पीएच ज़्यादा है तो वो वीक रहता है, और अगर पीएच कम है तो वो स्ट्रॉन्ग रहता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच कितना है, 1, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर. और इथेनॉइक एसिड का पीएच कितना है, 3, तो इथेनॉइक एसिड इज वीक एसिड कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो विच इज स्ट्रॉन्गर, इथेनॉइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन इथेनॉइक एसिड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन, विच इंडिकेटर पेपर आउट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड पीएच पेपर इज़ यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो लिटमस पेपर से हमें पता चलता है कि इथेनॉइक एसिड वीक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, या पीएच पेपर से पता चलता है कि कौन सा एसिड वीक है और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है. तो लिटमस पेपर्स, ब्लू लिटमस पेपर हमें सिर्फ यही पता चलता है कि दोनों भी एसिडिक है. सो फ्रॉम लिटमस पेपर वी कम टू नो वेदर द सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और इट इज़ न्यूट्रल. स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये पता नहीं चलता है. लेकिन पीएच पेपर से हमें ये पता चलता है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा एसिड वीक है. सो आंसर इज व्हाट, द पीएच पेपर इज़ यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड. तो इथेनॉइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट टॉपिक. फर्स्ट वन क्या है, रिएक्शन विथ बेस. रिएक्शन विद बेस में फर्स्ट टॉपिक किसके बारे में, रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस. इथेनॉइक एसिड गिव्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. तो जब भी इथेनॉइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट और वाटर बनता है. तो यू हैव स्टडीड दिस लास्ट ईयर कि जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, दैट इज़ नोन एज व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो इसमें भी इथेनॉइक एसिड जो एसिड है वो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, हैंस इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो CH3COOH विच इज़ इथेनॉइक एसिड, NaOH विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, दोनों रिएक्ट करके CH3COONA विच इज़ अ सॉल्ट और वाटर बनता है. नाउ CH3COOH इज़ अ एसिड, NaOH क्या है, बेस. CH3COONA इज़ व्हाट, सॉल्ट, और H2O इज़ वाटर. हेंस एसिड, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, देन इट इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अभी ये सॉल्ट का IUPAC नेम क्या है, CH3COONA जो सॉल्ट बना है उसका IUPAC नेम क्या है, सोडियम इथोनेट, और कॉमन नेम क्या है, सोडियम एसिटेट. नाउ आफ्टर दिस दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, विल द सॉल्ट सोडियम एसिटेट बी न्यूट्रल. तो एसिटिक एसिड क्या है, ये पहले भी एक्सप्लेन किया है. इथेनॉइक एसिड इज़ कॉमनली नोन एज व्हाट, एसिटिक एसिड. तो इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड. तो जब भी इथेनॉइक एसिड, ये वीक एसिड है ये भी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक इथेनॉइक एसिड का पीएच 3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1 था. तो इथेनॉइक एसिड क्या था, वीक एसिड था. तो इसमें जो सॉल्ट बनता है, दैट इज सोडियम एसिटेट जो सॉल्ट बना है, क्या वो न्यूट्रल है? तो सॉल्ट भी बेसिक एसिडिक न्यूट्रल होता है. तो क्या ये सॉल्ट सोडियम एसिटेट इज इट न्यूट्रल? No, the salt sodium acetate is not neutral. Sodium acetate is a salt of strong base NaOH and weak acid CH3COOH. Hence, the salt is basic. तो जो salt इसमें जो sodium acetate salt बना है वो neutral नहीं है, वो क्या है, basic है. जब भी strong base और weak acid react करते हैं, यहाँ पे strong base क्या था, NaOH, और weak acid क्या था, ethanoic acid, that is CH3COOH. तो जो salt बना है वो basic है. अभी this also he had studied in 9th standard. कि स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है,
तो जो भी स्ट्रांग रहता है वही सॉल्ट भी रहता है. तो यहाँ पे एसिड स्ट्रांग है तो सॉल्ट भी एसिडिक रहेगा. वीक एसिड और स्ट्रांग बेस रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बनता है, तो इट इज़ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन में स्ट्रांग क्या है, बेस स्ट्रांग है, इसके लिए सॉल्ट भी बेसिक है. तो जैसा ऊपर वाला रिएक्शन में एसिड वीक था, दैट इज़ सी एच थ्री सी ओ एच इज़ अ वीक एसिड, और एन ए ओ एच जो था वो स्ट्रांग बेस था, इसके लिए सॉल्ट क्या है, यहाँ पे बेस स्ट्रांग था, इसके लिए सॉल्ट भी बेसिक था. अगर समझो दोनों भी स्ट्रांग है, एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो भी सॉल्ट और वाटर बनता है, हेंस इट्स अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेकिन यहाँ पे दोनों भी स्ट्रांग है, इसके लिए जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल सॉल्ट है. तो वेन एवर स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पे एसिड स्ट्रांग है, इसके लिए सॉल्ट भी एसिडिक रहेगा. और अगर वीक एसिड और स्ट्रांग बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, तो यहाँ पे स्ट्रांग क्या है, बेस स्ट्रांग है, तो सॉल्ट भी बेसिक रहेगा. और अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनता है, यहाँ पे दोनों भी स्ट्रांग हैं, तो सॉल्ट न्यूट्रल रहेगा. नाउ सेकेंड रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एसिड का सेकेंड रिएक्शन क्या है, किसके साथ है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ. अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड है, बिग टेस्ट ट्यूब, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, बेंट गैस डेलीवरी ट्यूब, रबर कॉक, थिसल फनल स्टैंड, एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट पाउडर, फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर. अब ये बिग टेस्ट ट्यूब है, बिग टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, और इसका माउथ जो है वो कॉर्क से बंद करना है. और कॉर्क में क्या क्या फिक्स्ड है, थिसल फनल और बेंट गैस डेलीवरी ट्यूब. अब ये बेंट गैस डेलीवरी ट्यूब का एक एंड जो है वो बड़े टेस्ट ट्यूब में है, और दूसरा एंड जो है वो स्मॉल टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर के अंदर डिप्ड है. अभी ये थिसल फनल से क्या ऐड करना है, एसिटिक एसिड डालना है. एसिटिक एसिड इज़ अ कॉमन नेम ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड. तो जब ये एसिटिक एसिड थिसल फनल में पोर किया जाता है, तो इट एंटर्स अ बिग टेस्ट ट्यूब और वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है. सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एफरवेसेंस बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस. किस वजह से बबल्स फॉर्म्ड है, बिकॉज ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है, और ये गैस जो है वो बेंट गैस डिलीवरी ट्यूब से पास होके स्मॉल टेस्ट ट्यूब लाइम वाटर के अंदर पास होता है. जब भी वो लाइम वाटर के अंदर आता है, तो लाइम वाटर का कलर जो है वो चेंज होके मिल्की हो जाता है. क्योंकि लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, इसका कलर चेंज होके मिल्की होता है, तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो गैस इवॉल्व हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, तो इट विल चेंज द लाइम वाटर इनटू मिल्की. नाउ रिएक्शन ऑफ दिस, तो जब भी सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्ट करता है, तो वॉट इज़ फॉर्म, सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए, दैट इज सोडियम इथोनेट प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू. तो टू सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस एन ए टू सी ओ थ्री गिव्स वॉट, टू सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू. दैट इज एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉट, सोडियम इथोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. अभी इस एक्सपेरिमेंट के बाद सम क्वेश्चंस आर गिवन. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच गैस कम्स आउट एज एफरवेसेंस इन द बिग टेस्ट ट्यूब. तो बिग टेस्ट ट्यूब में एफरवेसेंस दिखाई देता है, तो ये एफरवेसेंस कौन से गैस की वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम आउट एज एफरवेसेंस इन द बिग टेस्ट ट्यूब. तो ये एफरवेसेंस किस गैस की वजह से है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से. व्हाई आर बबल्स सीन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब, यू कैन सी ओवर हियर बबल्स आर सीन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब. तो ये बबल्स किसकी वजह से है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड इन द बिग टेस्ट ट्यूब एंटर्स अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब थ्रू द गैस डिलीवरी ट्यूब, हेंस द बबल्स आर सीन इन द स्मॉल टेस्ट ट्यूब. तो जब भी सोडियम कार्बोनेट और एसिडिक एसिड रिएक्ट करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है, वो बिग टेस्ट ट्यूब से स्मॉल टेस्ट ट्यूब में एंटर करता है, और इस वजह से जब भी वो लाइम वाटर में एंटर करता है, तो वी सी इट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कलर चेंजेस इन द लाइम वाटर. तो क्या कलर चेंज होता है लाइम वाटर में, सो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो ये लाइम वाटर मिल्की क्यों होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिग टेस्ट ट्यूब से स्मॉल टेस्ट ट्यूब में एंटर करता है, इट एंटर्स अ लाइम वाटर, और क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, एंड बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द लाइम वाटर बिकम्स मिल्की. नाउ रिएक्शन, इसका रिएक्शन लिखना है, तो व्हाट इज़ अ रिएक्शन ओवर हियर,
CaOH twice, that is lime water, plus carbon dioxide, that is CO2, gives what? CaCO3, that is calcium carbonate, जिसकी वजह से lime water का color milky हो जाता है, plus water. Now, if sodium bicarbonate, sodium bicarbonate is used instead of sodium carbonate in the above activity, similar observation are obtained. तो अगर इस एक्सपेरिमेंट में वी हैड यूज इथेनॉइक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट, अभी सोडियम कार्बोनेट के बदले सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे तो क्या होता है, सेम रिएक्शन, सेम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ओवर हियर आल्सो. तो सोडियम कार्बोनेट के बदले सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ करो तो सेम थिंग इज फॉर्म, दैट इज CH3COONA, that is sodium ethanoate and water and carbon dioxide, and carbon dioxide when passed through lime water it turns milky. Sirf yahan pe balance karne ki zarurat nahi hai reaction, it is all balanced. So CH3COOH plus NaHCO3 gives what? CH3COONA plus H2O plus CO2, that is acetic acid reacts with sodium bicarbonate NaHCO3, sodium bicarbonate. तो क्या form होता है, sodium ethanoate, that is CH3COONA plus H2O plus CO2. सिर्फ यहाँ पे it is already balance करने की ज़रूरत नहीं, पिछला वाला जो reaction sodium carbonate के साथ था वो balance नहीं था, balance करना पड़ता है. तो sodium carbonate के साथ reaction क्या था, CH3COOH plus Na2CO3, इसमें भी वही फॉर्म होता है, दैट इज CH3COONA. तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रोडक्ट वही बनता है, सोडियम इथोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. मगर ये रिएक्शन जो सोडियम कार्बोनेट के साथ था वो बैलेंस्ड नहीं था. अब यहाँ पे CH3COO1 ओनली इज है, हियर ऑल्सो CH3COO1 इज है, मगर यहाँ पे सोडियम जो है वो दो है, यहाँ पे सोडियम सिर्फ वन है. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस वी विल पुट टू ओवर हियर. अभी CH3COO यहाँ पे दो हो गया मगर यहाँ पे सिर्फ एक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस वी विल पुट टू ओवर हियर. और अभी यू कैन कंपेयर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड सी वेदर इट इज़ बैलेंस. तो यहाँ पे 2CH3COO है, यहाँ पे भी 2CH3COO है, यहाँ पे Na कितना है 2, यहाँ पे भी Na 2 है, कार्बन कितना है इधर 1 है, यहाँ पे भी कार्बन सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ओ ऑक्सीजन इज 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज है, यहाँ पे भी 3 एटम्स है, हाइड्रोजन वाटर में 1 है और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 है, दोनों मिला के कितना है 3. सो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन प्रोडक्ट ऑल्सो एज वेल एज इन रिएक्टेंट ऑल्सो. तो दोनों रिएक्शन सेम है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ सेम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, सोडियम इथोनेट इज फॉर्म, वाटर इज फॉर्म और कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. सिर्फ ये जो रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन है उसको बैलेंस करना पड़ता है, ये इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया. नाउ आफ्टर दिस रिएक्शन सम क्वेश्चंस आर गिवन, सो लेट अस सी, यूज़ योर ब्रेन पावर. Now these questions are given on page number 130. Now explain with reaction why does lime water turns milky in the above activity. कौन सा activity जिसमें sodium bicarbonate use किया था, that is this. CH3COOH plus NaHCO3 gives CH3COONA plus H2O plus CO2. तो ये जब गैस को लाइम वाटर में पास करता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. तो क्यों मिल्की होता है, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्सेस विद लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. रिएक्शन वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, CaOH twice plus CO2 gives what? CaCO3, that is calcium carbonate plus H2O, that is water. और lime water milky क्यों होता है, because of the formation of calcium carbonate. तो calcium carbonate की वजह से lime water milky होता है. Now explain the reaction that would takes place when a piece of sodium metal is dropped in ethanoic acid. तो अगर ethanoic acid में मैंने सोडियम मेटल यूज़ किया तो व्हाट रिएक्शन इज फॉर्म, तो 2CH3COOH प्लस 2Na, दैट इज इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम गिव्स व्हाट, 2CH3COONA, दैट इज सोडियम इथोनेट
प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व इन दिस रिएक्शन. तो ये जो रिएक्शन है और इथेनॉल में जो रिएक्शन विद सोडियम था दोनों भी सेम है, सिर्फ रिएक्शन विद सोडियम इथेनॉल का जो रिएक्शन विद सोडियम था उसमें इथेनॉल यूज़ किया था और इसमें इथेनॉइक एसिड यूज़ किया था, लेकिन रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट वही बनता है, सोडियम इथोनेट और हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. नाउ टू टेस्ट ट्यूब्स कंटेन टू कलरलेस लिक्विड्स दैट इज इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड. एक्सप्लेन बाय राइटिंग रिएक्शन विच केमिकल टेस्ट यू वुड परफॉर्म टू टेल विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन विच टेस्ट ट्यूब. तो दो टेस्ट ट्यूब लिया है, दोनों में कलरलेस लिक्विड है, एक कलरलेस लिक्विड इथेनॉल है और एक कलरलेस लिक्विड इथेनॉइक एसिड है, दैट इज एसिटिक एसिड है. तो कौन सा एक्सपेरिमेंट या टेस्ट परफॉर्म करेगा ये पता करने के लिए कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है और कौन सा टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड है. सो इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड कैन बी आइडेंटिफाइड बाई यूजिंग सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. तो कौन सा टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है और कौन सा टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड है ये पता करने के लिए वी कैन यूज़ आइदर सोडियम कार्बोनेट नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी एक चीज़ यूज़ करेगा तो वी कैन कम टू नो कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है और कौन सा टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड है. तो जब भी दोनों टेस्ट ट्यूब में लेट अस टेक सोडियम कार्बोनेट, तो दोनों टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो क्या एक टेस्ट ट्यूब में द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट इज इथेनॉइक एसिड, उसका रिएक्शन लिखना है तो सेम है जो पहले लिखा था, और द अदर कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट इज इथेनॉल. यानी दोनों टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डालना और डालने के बाद अगर सोडियम रिएक्शन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ और सोडियम इथोनेट प्रोडक्ट बना है देन दैट पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में कौन सा एसिड है, इथेनॉइक एसिड है. और जो टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई गैस फॉर्म नहीं होता है बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट, मतलब उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डाला लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं फॉर्म हुआ, तो वो पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में कौन सा लिक्विड है, दैट इज़ इथेनॉल, इथेनॉल इज़ प्रेजेंट. तो अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है कोई लिक्विड तो दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज़ व्हाट, इथेनॉइक एसिड. और अगर वो लिक्विड जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं होता है देन दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज़ व्हाट, इथेनॉल. सो फ्रॉम बाय यूजिंग आइदर सोडियम कार्बोनेट नहीं तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ करके ये पता कर सकता है कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल है और कौन सा टेस्ट ट्यूब में इथेनॉइक एसिड है. नाउ ऑल द रिएक्शन दैट वी हैड स्टडीड ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल में जो भी रिएक्शंस पढ़ा था, तो इथेनॉल द फंक्शनल ग्रुप OH, the functional group OH that is alcohol plays an important role in the reaction of ethanol. तो जो भी reaction जो ethanol का पढ़ा था that reaction किसके वजह से होता है, functional group OH के वजह से होता है, that is alcohol. तो alcohol के वजह से ethanol का all the reaction with ethanol takes place. This statement can be written in other form also. The chemical reaction of ethanol are mainly due to OH functional group. So whichever you find it easy, you can study that way. They can also ask in the Phillips also. और इथेनॉइक एसिड, उसी तरह इथेनॉइक एसिड में जो भी रिएक्शन होता है तो कौन से फंक्शनल ग्रुप के वजह से ये रिएक्शन होता है, द फंक्शनल ग्रुप COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड. दिस ऑल्सो कैन बी रिटन इन अ डिफरेंट वे, दैट इज केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड आर मेनली ड्यू टू द COOH फंक्शनल ग्रुप. ये COOH फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. नाउ व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, सब्सटेंस हैविंग एस्टर हैज अ फंक्शनल ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन एल्कोहल. तो इसका मतलब क्या है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर. तो एस्टर कैसे फॉर्म होता है, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल को रिएक्ट करता है तो एस्टर इज फॉर्म. दिस इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या रिक्वायर्ड है, टेस्ट ट्यूब, बीकर, बर्नर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड क्या है, इथेनॉइक एसिड. इथेनॉइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड. देन इथेनॉल कॉन्सेंट्रेटेड सल्फरिक एसिड.
अभी एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में 1 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालना है और 1 ml ऑफ इथेनॉल डालना है एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड भी डालना है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है। अब ये टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड का मिक्सचर है। ये टेस्ट ट्यूब को इस बीकर के अंदर रखना है, बीकर के अंदर हॉट वाटर है, तो टेस्ट ट्यूब को हॉट वाटर में कितना देर रखना है, 5 मिनट्स के लिए रखना है। 5 मिनट्स के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है उसको बाहर निकालो, इसमें जो कंटेंट है वो इस बीकर में डालना है। अभी इस बीकर में भी वाटर है, 20 ml टू 30 ml ऑफ वाटर है, और जब भी इस कंटेंट को इसमें डालेंगे और हिलाएंगे तो इसमें से इसको स्मेल करो, तो इस स्मेल करते तो इसमें से एक स्वीट स्मेल निकलता है, स्वीट ऑर्डर निकलता है, और ये स्वीट ऑर्डर किसका है, स्मेल किसका है, स्वीट स्मेल एस्टर का है। सो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है एंड वॉट इज फॉर्म्ड इथाइल इथोनेट एंड एस्टर इज फॉर्म। तो इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल जब भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, इथाइल इथोनेट फॉर्म होता है विच इज़ एन एस्टर। रिएक्शन क्या है, CH3COOH दैट इज़ इथेनॉइक एसिड प्लस CH3CH2OH दैट इज़ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट क्या बनता है, इथाइल इथोनेट बनता है। इथाइल इथोनेट का फॉर्मूला क्या है, CH3COOCH2CH3। यहाँ पे COO है, दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ विच इज़ नोन एज एस्टर। तो इथाइल इथोनेट इज़ अ टाइप ऑफ एस्टर प्लस वाटर इज़ फॉर्म। अभी ये रिएक्शन इतना कुछ हार्ड नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर दिस रिएक्शन। तो ये हो गया CH3COOH दैट इज़ इथेनॉइक एसिड प्लस CH3CH2OH दैट इज़ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इट विच एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट क्या बनता है, CH3COOCH2CH3 दैट इज़ इथाइल इथोनेट एंड एस्टर प्लस वाटर। अभी इथेनॉइक एसिड में और इथेनॉल में, इथेनॉइक एसिड का जो H है हाइड्रोजन है और इथेनॉल का जो OH है, तो इथेनॉइक एसिड का H और इथेनॉल का जो OH है दोनों भी कंबाइन होके क्या बनता है, वाटर H2O। सो H2O और बाकी जो बचा है CH3COO और CH3CH2 एक कंबाइन होके क्या बनता है, इथाइल इथोनेट। CH3COO और CH2 पहले लिखने का है, इसमें क्या बच गया इथेनॉइक एसिड में, CH3COO और इथेनॉल में क्या बच गया, CH3CH2। नाउ कंबाइन दिस टू CH3COO फिर CH2CH3 लिखना है, बिकॉज CH3 हमेशा एंड में आता है, बीच में कभी नहीं आता है, तो दैट इज़ इथाइल इथोनेट। सो इस तरह इथाइल इथोनेट विच इज़ एन एस्टर प्लस वाटर इज फॉर्म्ड। नाउ एस्टर्स हैव स्वीट ऑर्डर, esters have sweet order, majority of fruits owe their order to a particular ester present in them। तो अभी मैंने बताया था कि ester को जब smell करेंगे तो उसमें से एक sweet smell निकलता है, sweet order निकलता है, और बहुत सारे fruits में भी ये particular smell आता है। why? because उसमें भी एक particular ester present है, so they also have this sweet order in the fruits। now where esters are used, esters are used for making fragrance and flavoring agent। since ester का smell जो है एकदम sweet odor है, तो वो कहाँ पर use किया जाता है, fragrance making fragrance और flavoring agents बनाने में use होता है। now next point, when an ester is reacted with alkali sodium hydroxide, the corresponding alcohol and carboxylic acid in the form of its sodium salt are obtained back। This reaction is called saponification reaction as it is used for the preparation of soap from fats। अभी ये saponification reaction क्या है, it is just the opposite of esterification reaction। esterification reaction में क्या होता है, carboxylic acid जो है वो alcohol से react करके ester बनता है, और saponification reaction में क्या होता है, जब भी ester को sodium hydroxide के साथ react करता है तो it we get back alcohol and carboxylic acid। तो ester जब भी sodium hydroxide के साथ react करता है, we get the corresponding alcohol and carboxylic acid।
एसिड. और एस्टरीफिकेशन क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वी गेट एस्टर. और सैपोनिफिकेशन में जब भी एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो वी गेट व्हाट, अल्कोहल एंड करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बट इन द सोडियम सॉल्ट फॉर्म. सो दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हैज़ इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप फ्रॉम फैट. तो फैट से सोप बनाते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें सोप बनता है. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. Sodium hydro, when fat is heated with sodium hydroxide, I'll repeat once more, use your brain power. When fat is heated with sodium hydroxide solution, soap and glycerin are formed, which functional group might be present in fat and glycerin, what do you think? So use your brain power mein kya diya hai, jab bhi fat ko सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है, सोप और ग्लिसरिन. तो क्वेश्चन ये पूछा है कि फैट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और ग्लिसरिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. अभी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इफ़ यू सी द सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स टू फॉर्म सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड एल्कोहल. यानी एस्टर जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो सॉल्ट सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा और एल्कोहल बनता है. और यूज़ योर ब्रेन पावर में उन लोग ने क्या बोला था, जब भी फैट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सोप और ग्लिसरिन बनता है. तो सो फैट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पूछा और ग्लिसरिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पूछा है. नाउ इफ़ यू कंपेयर बोथ दिस रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन, तो इसमें एस्टर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें फैट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड है. यानी फैट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर. सो फंक्शनल ग्रुप इन फैट इज़ व्हाट, एस्टर. उसी तरह फैट जब भी NaOH से रिएक्ट करता है तो सोप और ग्लिसरिन फॉर्म होता है. एस्टर जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल फॉर्म होता है. तो सोप इज़ व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. और ग्लिसरिन क्या है, अल्कोहल है. तो फंक्शनल ग्रुप फैट में क्या है और ग्लिसरिन में क्या है पूछा है. तो फैट में क्या है, एस्टर, और ग्लिसरिन में क्या है, अल्कोहल. सो द फंक्शनल ग्रुप इन फैट इज़ व्हाट, एस्टर, एंड द फंक्शनल ग्रुप इन ग्लिसरिन इज़ व्हाट, अल्कोहल.